हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, जो इनका तारीखी कब्रिस्तान है। अभी हम लोग जो हैं वो कैलाश वैली पहुंच चुके हैं। तो अभी हम उस टाइम हालत बड़ी ख़राब थी हमारी, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर कोई 15 घंटे का हमने सफ़र किया था, जिसकी वजह से जब हम गाड़ी से उतरे हैं और उतरने के बाद होटल तक जो हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया है वहाँ तक आते मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तब जल्दी थी बहुत ज़्यादा, रूम में जाने की सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा जो रूम है बाहर से, और उसके रूम के सामने जो व्यू है सारा, ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो घर घर बने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा वैसे ना सर्दी की वजह से ना सही मुँह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे, सही बोला ही नहीं जा रहा। तो ये हमारा रूम है, देखें दोनों लगी हुई हैं लॉक लगाने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हाथ जो है ना ये देखें रेड रेड हो रहे हैं। आओ सारे इधर आओ, सारा सारा बालू बनी हुई है, प्यारी लग रही है। सर्दी है ना, सर्दी है और क्या, कितनी है यहाँ, बहुत है वहाँ धूप है। ये देखिए उसने रबर डबर पहने हुए हैं, वैसे जहाँ धूप है ना वहाँ पर जाते जाते हमें कोई घंटा फिर से लग सकता है। दो ही तो कह रही हूँ, एक घंटा लग जाना वहाँ जाते जाते। तो चले अभी हम लोग जाने लगे हैं कैलाश वैली का जो कब्रिस्तान है ना उसके, तो वहाँ पर जाने लगे हैं, तारीखी कब्रिस्तान है वो, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं वहाँ पर जाके बताऊँगी कैलाश वैली की जो कब्रिस्तान की जो हिस्ट्री है। तो चैनल के लिए भी हम करेंगे इंटरव्यू, उसकी हिस्ट्री बताऊंगी आप लोगों को। अभी यहाँ से निकलते हैं फिर चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कैलाश वैली का जो कब्रिस्तान है, तारीखी कब्रिस्तान है। ये है होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके आसपास जो है घर बने हुए हैं, कितने खूबसूरत छोटे छोटे लकड़ियों के बने हुए हैं ये देखें, और साथ ही पहाड़ है। इतनी ज़्यादा सर्दी है वो देखे दोनों के कहाँ। ये इनके काम चेक करें, इनका बस नहीं चल रहा कि ये चूल्हे के अंदर जाके दोनों बैठ जाए। ये पानी गर्म हो रहा है, आपने थोड़ा आगे पीछे। हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, जो इनका तारीखी कब्रिस्तान है। तो अभी जो साकिब सर है वो हमारे साथ नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम कल जाएंगे, अभी लेट काफ़ी हो गया। तो आप लोग जाओ वहाँ पे चक्कर लगा के आओ, राउंड लगा कर आओ, फिर उसके बाद आके मेरे से क्वेश्चन करो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एंट्रेंस से और लिखा क्या है इसके ऊपर, और अंदर चलते हैं फिर। ये देखिए लिखा हुआ है, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के बाद सिर्फ तस्वीर कशी की इजाज़त है, इसके अलावा किसी भी चीज़ को छूना सख्ती से मना है। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, कब्रों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में पुलिस का हवाला किया जाएगा। अच्छा जी, ये हम लोग आ चुके हैं कब्रिस्तान के अंदर। ये संदूक पड़े हैं, संदूक है ना, सारा साइड का ना। इधर आओ इधर आओ, वो देखो हड्डी पड़ी हुई है, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं किधर है, वो देखो, वो देखिए ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं ये, चलो क्या इनके जेवर भी इनके साथ ही फना देते हैं। सुनने में आप चले, इसकी जो हिस्ट्री है वो साकिब सर से हम पूछेंगे, लेकिन अभी हम तो वैसे विजिट करने के लिए आए हैं। तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ, चार पाए को उल्टा क्यों किया हुआ है, 1 2 3 मेरे ख्याल में ही, ये देखिए चार पाइयों को उल्टा भी किया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 काफ़ी ज़्यादा है। ये बड़ा तारीखी जगह, वाकई तारीखी जगह है,
इसके बारे में पूछते हैं साकिब सर से जाके। वो एक चार भाई सीधी पड़ी है। जी कैलाश वैली का जो तरीखी कब्रिस्तान है उसमें मैं मौजूद हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी इसकी जो हिस्ट्री है वो मुझे भी सही तरह से नहीं पता, क्योंकि मैंने ना पढ़ी है ना मुझे इस जगह का पता था कि कैलाश वैली के अंदर कोई ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं, फिर चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, उल्टी की हुई हैं। तो इसके बारे में जो कल दोबारा हमने आना है, अभी सर ने बोला कि लेट हो गए जिसकी वजह से अभी हम लोग नहीं जा रहे, तो सर ने भेजा कि आप विज़िट करें और वहाँ पर देख कर आएँ क्या क्या है, फिर आकर मुझसे सवाल करें, फिर मैं आपको उनके जवाब दूँगा। फिर इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको डिटेल से कल बताऊंगी इसके बारे में। तो अभी ये आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी डिटेल से कल बताते हैं आपको। ठीक है।